Assalamu alaikum. I would like to tell you something about pomegranate. अनार को चीनी सेब के नाम से भी जाना जाता है. इसका साइंटिफिक नेम यूनिका ग्रेनेटम है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अनार के बारे में रोमन भाषियों ने पता लगाया था. ये अप्रॉक्स 3000 ईयर ओल्ड फ्रूट है. थैंक यू. Hello, I am pomegranate. I would like to tell you some benefits of pomegranate. उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन भरपूर है. मेरा शुमार आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी बनाने में किया जाता है. उसमें एंटी कैंसर जैसे प्रॉपर्टीज होती है, जिससे कैंसर की बीमारी नहीं होती है. मुझमें एंटी कैंसर जैसी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कैंसर की बीमारी नहीं होती है. मैं ब्लड इंक्रीज करने में और ब्लड प्रेशर को लो करने में मददगार हूँ. मेरे रोजाना इस्तेमाल करने से जॉइंट पेन की शिकायत नहीं रहती. Now I would like to tell you what Quran say about pomegranate. Quran में 3 बार अनार का जिक्र हुआ है. सूरह अर-रहमान की आयत नंबर 68 में इसका जिक्र है. आयत की तिलावत तर्जुमे के साथ, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهما فاكهة ونخل ورمان. In both of them are fruit and palm trees and pomegranate. Thank you. I would like to tell you something about a grape. अंगूर में पाए जाने वाले गोभियों की वजह से इसे क्वीन ऑफ फ्रूट कहा जाता है. इसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है. अप्रॉक्स 8000 ईयर बिफोर अंगूर की खेती मिडिल ईस्ट से शुरू हुई थी. Assalamu alaikum. I would like to tell you something about fig. अंजीर का साइंटिफिक नेम फाइकस कैरिका है. यह एक ऐसा फल जो पक जाने पर गिर जाता है. पके हुए फल को लोग खाते हैं और सुखाए हुए फल को लोग पीस कर मिल्क एंड शुगर के साथ मिक्स करके खाते हैं. इसका ओरिजिन मिडल ईस्ट में हुआ था, जो कि 11000 ईयर्स ओल्ड फ्रूट. हेलो, आई एम फिग एंड आई वुड लाइक टू टेल यू सम बेनिफिट्स अबाउट फिग. मेरा में कैल्शियम, विटामिन बी और ए की रिच क्वांटिटी है. मैं बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ. मेरा कलर लाइट येलो, डार्क गोल्डन या डार्क पर्पल हो सकता है. कोच एंड लीवर की बीमारियों के लिए मैं फायदेमंद. इस्तेमाल पानी में उबाल कर छान कर सुबह शाम किया जाता है. इसलिए कुछ मैं दमे की बीमारियों के लिए फायदेमंद हूँ. इसलिए आप इसे अपने डाइट में ऐड करें. आइए अब हम आपको बताते हैं कि कुरान में अंजीर के बारे में क्या कहा गया है. कुरान में इसका जिक्र एक बार किया गया है. सूरह 3 की आयत नंबर 1 में अल्लाह ने अंजीर की कसम खाई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंजीर खाओ क्योंकि यह पाइल्स को खत्म करता है और जॉइंट पेन में मुफीद है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون.